नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। लाइफ जब हम स्टार्ट करते हैं, जब उसको जीते हैं, तो उसमें दुख भी है, सुख भी है। इट्स नॉट ईजी टू लिव अ लाइफ, यू नो, बिकॉज देर आर ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस विच कम्स अलॉन्ग। देर आर डाउनफॉल्स एंड देर आर सक्सेसेस विच ऑल्सो हैपन। लेकिन जब डाउनफॉल होता है तो आदमी जो है एक ऐसी पोजीशन में होता है कि वो टूट जाता है, और अगर उसको खड़ा होना है तो उसको एक फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक ऐसी ब्लेसिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण जो है वो दोबारा से जो है खड़ा हो पाएगा। विदाउट दैट पुश, विदाउट दैट इंस्पिरेशन, आदमी नहीं तो खड़ा नहीं हो पाएगा, वहीं मर जाएगा, वहीं शरीर छोड़ देगा। जिस कार्ड की आज हम बात करेंगे वो कार्ड है कार्ड ऑफ होप, कार्ड ऑफ इंस्पिरेशन। वो कार्ड जो आपको जो है एक नई ज़िंदगी प्रदान करता है, आपको एक नया पुश देता है लाइफ में। हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ द स्टार की। कार्ड ऑफ द स्टार ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। कार्ड ऑफ द स्टार आता है द कार्ड ऑफ द टॉवर के बाद, और कार्ड ऑफ द टॉवर जो है आपको शो करता है कि आपकी लाइफ में एक डाउनफॉल आ गया है, डिस्ट्रक्शन आ गई है, सब कुछ तबाह हो गया है एंड यू आर जस्ट फिनिश्ड। कार्ड ऑफ द स्टार आपको आके रिन्यू करता है, आपको जो है एक नई ज़िंदगी प्रदान करता है, और आपकी एक नई लाइफ दोबारा से शुरू होती है। इसकी डिटेल में और जाएंगे, लेकिन उससे पहले द स्टार के कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। द स्टार के कीवर्ड्स हैं होप, स्पिरिचुअलिटी, रिन्यूअल, इंस्पिरेशन, बैलेंस, इंस्पायरिंग, सेरेनिटी, ऑप्टिमिस्टिक। सो द स्टार कार्ड शोज अ नेकेड वुमन kneeling at the edge of a small pool. The woman holds two containers of water. She pours the water out on the earth and she also pours out on the water itself. क्या मतलब है इसका? एक naked woman को जो है इसमें दर्शाया गया है, जो कि जिसके दोनों हाथों में जो है कंटेनर है, और एक जो है वो पानी के अंदर ही डाल रही है और एक जो है वो धरती पे डाल रही है। ये दर्शाता है एक बैलेंस बिटवीन वाटर एंड अर्थ, बिटवीन योर इमोशंस एंड योर फिजिकलिटी, योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट। जो पानी जो है पानी में ही डाला जा रहा है, उसको यही सिग्निफाई करता है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी जो सेंसिटिव पार्ट है, जो आपका फेमिनिन पार्ट है, उसको दर्शाया गया है, और जो ग्राउंड है वो आपका फिज़िकलिटी को जो है दर्शाया गया है। अब आप देखेंगे कि जो वाटर जो है जो वो ग्राउंड पे डाल रही हैं, उसके 5 डायरेक्शन निकल रहे हैं। वो 5 डायरेक्शन जो हैं आपकी 5 सेंसेस हैं, कि शी इज़ पोरिंग दैट वाटर इनटू योर 5 सेंसेस एंड योर 5 सेंसेस आर गेटिंग फुलफिल्ड, दे आर गेटिंग हील्ड। जैसे कि मैंने बताया कि द कार्ड ऑफ स्टार is a card of healing, so it's a kind of a healing which is happening inside and the outside your system, inside yourself and the environment around yours. Card के जब हम symbolism देखते हैं, उसमें देखते हैं हम there are 7 stars और एक बड़ा star है। तो ये जो 7 stars हैं, सबसे पहले तो ये signify करते हैं आपके 7 चक्रास को, और जो एक वो जो बड़ा स्टार वो जो है वो सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, एक अवेकनिंग को, और या फिर जो है आपकी जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है शुरू होने जा रही है। दैट देयर इज़ अ बिग चेंज विच हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ एंड योर लाइफ इज़ चेंजिंग। आप ये भी देखेंगे कि जो हर एक स्टार है वो दे आर ऑल 8 पॉइंटेड स्टार्स, और टोटल जो स्टार्स हैं वो भी 8 ही हैं। जो कार्ड जो द स्टार का जो नंबर है वो है 17 एंड 1 + 7 = 8। सो अगेन इट इज़ सिग्निफाइंग द कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, हमने कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ की बात करी थी। कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ जो है, इट्स अगेन इट्स अ वुमन प्रिंसिपल एंड इट्स अ सिंबल ऑफ विस्डम इन्फिनिटी विच इज़ शोन। वो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सिग्निफाई किया गया है द स्टार के, इसीलिए हम इस नेकेड वुमेन की फिगर को साथ में देखते हैं। हम यहाँ पे नेकेड मैन नहीं देख रहे, नेकेड वुमेन देख रहे हैं, बिकॉज वुमन इन द सेंस इज़ लाइक द अर्थ इज़ रिन्यूइंग यू, the earth is giving you a new chance, a new life to you. The star is the light at the end of the tunnel, brings hope and faith that you are blessed by the universe. जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, जब भी ये कार्ड आपको जो है कहीं ना कहीं आपके पास आ रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ जो है is blessed and you are being taken care, that your life will have courage, fulfillment and inspiration, जो कि पहले जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था और ये एक तरह से एक रिन्यू हुआ है आपका स्ट्रेंथ। तो एक तरह से एक नया जन्म भी है, इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। द कार्ड ऑफ द स्टार, दिस इज़ वॉट इट सिग्निफाइज, दैट इट ब्रिंग्स यू न्यू बैलेंस, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, दैट यू आर एंटरिंग अ ब्लेस्ड फेस इन योर लाइफ, filled with calm energies, mental stability and deeper understanding. ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। It's like all the gift. So it's one of the very beautiful positive cards when it comes to you. स्टार कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपको अपना जो है फेथ और ट्रस्ट जो है यूनिवर्स में रखना चाहिए, क्योंकि उसी फेथ और ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर जो है आपकी लाइफ की फाउंडेशन जो है खड़ी होगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। Without having that faith and trust, you will not be able to grow. आप doubtful होके ना जीवन जी नहीं सकते। आपका जीवन जो है अच्छा तभी हो सकता है जब उसके अंदर trust के फूल खिले। और कार्ड ऑफ टावर के बाद जो है द स्टार शो करता है कि आपको बहुत ये जो है हीलिंग दे रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और आपको ये भी बता रहा है कि आप एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से जो है अभी होके आए हैं और कहीं ना कहीं जो है आपकी लाइफ बचाई है इस कार्ड ने। स्टार इज़ एन इम्पॉर्टेंट कार्ड फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। कार्ड जब स्टार कार्ड जब आपके लाइफ में आता है, वो हमें ये बताता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ में शो कर रहा है और अब आपकी लाइफ वैसे ही नहीं रह जाएगी जैसे पहले थी। टॉवर के बाद लाइफ जो है इज़ टोटली डिफरेंट। टॉवर के बाद जब स्टार कार्ड आपकी लाइफ में आता है तो लाइफ आपकी वैसे ही नहीं रह जाती, क्योंकि आप बिल्कुल एक नीचे लेवल पे चले गए हैं, गिर चुके हैं। यू हैव टच द बॉटम और अब ऊपर उठने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तो स्टार कार्ड जब भी आएगा वो आपको ये बता रहा है कि आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, इसको वेलकम कीजिए और अपने भीतर जो एक वॉइस है उसको, जो एक छोटी सी एक जो पतली सी जो एक वॉइस है उसको सुनिए। इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो एक पेड़ पे एक छोटा सा एक पंछी बैठा हुआ है। वो पंछी आपका जो है इनर वॉइस जो है सिग्निफाई करता है। क्या है इनर वॉइस? इनर वॉइस वो है जो आपको हर वक्त आपके साथ है, जो आपका शोर हो चाहे साइलेंस हो तब भी आपके साथ है। क्या है इनर वॉइस? Inner voice is the voice of silence, is the music of one hand clapping, एक ऐसा साउंड जो हर वक्त कहीं ना कहीं जो है आपके पास है, एक ऐसा साउंड जो हर वक्त आपको हील कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कितनी बार आपको जो है ये इनकाउंटर हुआ होगा कि जब सारे शोर जो है सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है, there is still some voice which is in your ear. There is still something, you know, which is coming into your ears and you can hear it. इसके बारे में मैं सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। ये जितना आप सुनेंगे उतनी आपकी लाइफ को जो है आपको वो सुंदर बना देगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी, आपको ग्रोथ में जो है आगे बढ़ाएगी। सो लिसन टू दैट इनर वॉइस। द कार्ड ऑफ द स्टार में जो ये जो बर्ड है वो इनर वॉइस को सिग्निफाई करती है। और अब आप एक ऐसी स्टेज में भी आ गए हैं द स्टार के साथ कि अब आप अपनी लाइफ में एक मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, एक आप अपने आप को एक एक नई बिगनिंग देना चाहते हैं, एक नया पर्पस देना चाहते हैं। ये भी हमें कहीं ना कहीं जो है स्टार जो है सिग्निफाई करता है, क्योंकि अब तक जो है लाइफ में पर्पस नहीं था, अब तक लाइफ जैसे चल रही थी वैसे चल रही थी, लेकिन अब सडनली देयर इज़ अ पर्पस इन द लाइफ, सडनली देयर इज़ अ फ्लावरिंग विच हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन योर लाइफ। और वो साथ में ये भी आपको बताता है कि दैट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर ऑनरिंग योर सेल्फ, that you're realizing that how beautiful you are, that it's a gift that you have been given this body, it's a gift that this life has been given to you. For the first time all this realization are coming to you, और वो सब realization जो है the card of the star के साथ आती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि the star के साथ जो है आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, एक डीपर स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपकी जो है शुरुआत हो रही है द कार्ड ऑफ द स्टार के साथ। जिसकी रीडिंग में भी द कार्ड ऑफ द स्टार आ रहा है वो सिग्निफाई करता है इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। अगर हम बात करें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के रीडिंग में जो है द स्टार आता है तो इट जस्ट सिग्निफाइज सक्सेस एट वर्क, इट सिंपली मीन्स दैट यू आर अ राइजिंग स्टार एंड यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल एंड नॉट ओनली दैट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग दी अदर पीपल। आप खुद तो ग्रो कर ही रहे हो लेकिन आप दूसरे को भी हेल्प कर रहे हो, ये सिग्निफाई करता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें कि कौन से करियर्स जो हैं द स्टार्स के साथ जो जुड़ सकते हैं, वो करियर्स होंगे राइटर के, आर्टिस्ट के, सेलिब्रिटी के, योगा टीचर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑल दीज आर कनेक्टेड विद द स्टार। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि द स्टार वो एक्वेरियस साइन से जुड़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और अगर हम किसी की पर्सनालिटी की बात करें, अगर किसी की पर्सनालिटी को हमने डिफ़ाइन करना होगा द स्टार के बेसिस के ऊपर, तो वो उसकी पर्सनालिटी होगी होपफुल, काम, रिलैक्स्ड, ऑप्टिमिस्टिक, इंस्पायरिंग एंड अपलिफ्टिंग। एंड फाइनली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो it just signifies it's a beautiful relationship. It could also mean that your relationship was going through a trouble and now your relationship has gained a new beginning. एक आपके relationship को एक blessing मिल गई है जिसकी वजह से सब चीज़ें बदल गई हैं, और and there is love again which has come back to your relationship. और spirituality के point of view से it just shows spiritual journey which you have started and you are growing and there is a balance in your life which is making you grow, which is taking care of you. और अगर of course अगर हम health के point of view से बात करें तो everything is positive, everything is beautiful, that you have a good health. और जाते जाते मैं इसके लिए एक quote जो है करना चाहूँगा जो कि विंसेंट वैन गॉग का है, जो कि परफेक्ट बैठता है हमारे इस कार्ड के ऊपर द स्टार के ऊपर। वो कहते हैं फॉर माई पार्ट आई नो नथिंग विद एनी सर्टेनिटी बट द साइट ऑफ द स्टार्स मेक्स मी ड्रीम। विंसेंट वैन गॉग कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं स्टार्स को देखता हूँ देयर इज़ अ न्यू लाइफ विच स्प्राउट्स इनसाइड ऑफ मी, देयर इज़ अ न्यू इमेजिनेशन विच कम्स इनसाइड ऑफ मी. So it gives a new life, a new beginning to you. So this was my reading for you for the star. I hope you enjoyed it and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.